हम लोग डिस्कस कर रहे थे सोहर्स रिप्रेजेंटेशन। नाउ नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे कि बॉन्ड रोटेशन कैसे होता है ना, सोहर्स के अंदर हम बॉन्ड को कैसे रोटेट करते हैं। जैसे यहां देखो आप, ये फ्रंट कार्बन है डॉट, इस पे थ्री ग्रुप है, कोई भी थ्री ग्रुप है ना। सपोज करो ये थ्री ग्रुप कौन है, ए बी सी, ऐसा मान लो सेप है किसका, फ्रंट कार्बन का सोहर्स में। ओके सपोज करो इसको मैं रोटेट करता हूं 120 डिग्री। ओके तो आप ऐसे समझो कि ये 360 को मैंने क्या किया, 120 में डिवाइड कर रखा है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, तो ये भी 120, ये भी 120, ये भी 120। जैसे आप इसको 120 से रोटेट करोगे तो ये ए बी के पास आ जाएगा, बी सी के पास आएगा, और सी कहां जाएगा, सी ए के पास जाएगा। मतलब शेप आपका जैसा है वैसा ही रहेगा, ए यहां आ जाएगा, फिर बी यहां पे आ जाएगा, और सी यहां से कहां जाएगा, ए के पास, सी आपको यहाँ पे आ जाएगा। ओके इस तरह से रोटेशन है कि अगर बॉन्ड को पकड़ के अगर 120 डिग्री रोटेट कर दें, तो अगर फ्रंट कार्बन या बैक कार्बन सीधा वाई है तो हमें स्ट्रक्चर कैसा मिलेगा, हमें स्ट्रक्चर आपको सीधा वाई मिलेगा। उसी तरह से अगर इस स्ट्रक्चर को मैं 180 डिग्री से रोटेट करता हूँ, सपोज करो 180 डिग्री रोटेट कर देते हो, ओके रिज्यूम करो क्या होगा। जैसे आप 180 डिग्री रोटेट करोगे तो कैसे होगा, देखो तुम तो ये आपका स्ट्रक्चर, जैसे सी यहाँ है तो यहाँ तक तो 120 है, फिर इसमें ऐसे करो जस्ट इसके अपोजिट जाएगा, ऐसे ही देखो सी यहाँ पे आ जाएगा, बी यहाँ आएगा, और ए यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। मतलब जब भी बॉन्ड को 120 डिग्री रोटेट करना हो तो उसके अपोजिट प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे। जैसे सी यहाँ, ये डॉट हो गया हमारा फ्रंट कार्बन, ठीक है, सी नीचे है तो सी कहाँ चला जाएगा, ऊपर, बी यहाँ पे है तो बी कहाँ जाएगा, नीचे, बी आपको यहाँ पे आ जाएगा। ए यहाँ है तो 180 डिग्री रोटेट करोगे तो यहाँ से ए कहाँ जाएगा, तो ए आपका जस्ट यहाँ पे आ जाएगा, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। ओके तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि हमें रोटेशन ज्यादा जरूरी है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने के लिए हम लोग रोटेशन का यूज करेंगे। उसी तरह से सपोज करो ये स्ट्रक्चर को मैं रोटेट कर रहा हूँ कितना, 60 डिग्री। इस तरह से आपको रोटेशन आपको स्ट्रक्चर में मिल सकते हैं। तो सपोज करो 60 डिग्री रोटेट कर रहा हूं, देखो 60 डिग्री रोटेट करोगे तो कहाँ है, ये बी यहाँ आ जाएगा। देखो हमने क्या किया, ये तो 120 डिग्री है, अब इसको इक्वल डिवाइड कर रखा हूं 6 पार्ट में, तो एक पार्ट कितना होगा, 120 डिग्री होगा, तो बी यहाँ आ जाएगा, सी यहाँ आएगा, और ए यहाँ पे आ जाएगा। मतलब आपको स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा, ऐसे बनेगा, ए यहां आ जाएगा फ्रंट में, ए बी आपको यहां पे आ जाएगा, और सी आपको यहां आ जाएगा। ओके तो हम ये 3 डिफरेंट रोटेशन को माइंड में रखेंगे। तो एक सिंपल वे में कहें कि अगर फ्रंट कार्बन आपका वाई शेप है, सीधा वाई है, तो 120 डिग्री रोटेट करोगे तो हमें कैसा मिलेगा, तो हमें सीधा वाई मिलेगा। इसको अगर 180 डिग्री रोटेट करते हो तो सीधा वाई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, उल्टा वाई में। लिखने का तरीका 180 डिग्री बहुत ही आसान है, जो प्रोजेक्शन होगा उसका जस्ट अपोजिट कर देंगे, सी नीचे है तो सी ऊपर चला जाएगा, बी राइट साइड में ऊपर है तो बी लेफ्ट नीचे आ जाएगा, ए लेफ्ट साइड में ऊपर है तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ओके उसे 60 रोटेट करोगे तो अगर ये सीधा वाई है तो यहाँ क्या बनेगा, तो यहाँ पे आपको उल्टा वाई बनता हुआ दिख रहा है। ओके अब इस पर बेस्ट हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं इथेन, सपोज करो सिंपल सा एग्जांपल है इथेन, इथेन का। ओके ये मान लो कार्बन नंबर 1 है और ये कार्बन नंबर 2 है, यहां पे कोई ऑब्जर्वर है तो इसको फ्रंट कार्बन दिखेगा ये कार्बन नंबर 1, बैक में क्या दिखेगा कार्बन नंबर 2। तो फ्रंट कार्बन को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, डॉट से जैसे रिप्रेजेंट किया था, अब यहाँ पे 3 हाइड्रोजन ग्रुप है तो क्या करोगे, 3 को प्रोजेक्ट कर दो ऊपर, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। बैक कार्बन में क्या है, बैक सेकेंड कार्बन का इस पे भी क्या करो, सीधा वाई लिख सकते हो, एच 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 दोनों सीधा लिख सकते हैं, ये कार्बन 1 हुआ तो ये कार्बन 2 हो गया।
तो दोनों को हमने क्या किया, सीधा वाई लिखा, या इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे भी लिख सकते हो, फ्रंट कार्बन को सीधा वाई, बैक कार्बन को उल्टा वाई, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक ये भी तरीका है, सेम कंफिगरेशन, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके, या हम ऐसे नहीं लिख सकते, कैसे लिख सकते हो, फ्रंट कार्बन को उल्टा कर दो, बैक कार्बन को सीधा कर दो, तो फ्रंट कार्बन को उल्टा वाई लिखा, अब बैक कार्बन को सीधा वाई, सब पे क्या है, सब पे हाइड्रोजन, ऐसे लिख सकते हो, या हम क्या कर सकते हैं, फ्रंट कार्बन को भी उल्टा वाई, बैक कार्बन को भी उल्टा वाई लिख सकते हो, दोनों को उल्टा वाई, ओके, मतलब ये फोर डिफरेंट प्रोबेबिलिटी है कि अगर आपको इथेन का सोहर्स प्रोजेक्शन ड्रॉ करना हुआ तो फ्रंट कार्बन को भी वाई सेप, बैक कार्बन को भी वाई सेप, तो इसका सेप चेंज कर सकते हैं ना, दोनों को सीधा वाई रखा है ना, फ्रंट कार्बन को सीधा, बैक को उल्टा, या फ्रंट कार्बन को उल्टा वाई रखो, बैक कार्बन को सीधा रखो, या फ्रंट और बैक दोनों को क्या रख सकते हैं, उल्टा वाई के सेप में रख सकते हैं, मतलब ये फोर डिफरेंट वे में हम इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। अब नेक्स्ट देखो, एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, सपोज करो यहां पे बी आर है, यहां एच है, यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहां पे ओ एच है, यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहां पे एच है, ओके। अब ये देखो, ये आपको वन नंबर कार्बन है, ये आपका टू नंबर कार्बन है, मतलब ये आपको फ्रंट कार्बन हुआ, ये आपका बैक कार्बन हुआ, बताइए कौन सा फॉर्मेशन है, स्टैगर्ड है या एक्लिप्स है। देखो फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन दोनों का प्रोजेक्शन क्या है, अपोजिट है, इसलिए इसको क्या नाम देंगे, इसको हम लोग कहेंगे दिस वन इज द स्टैगर्ड फॉर्म, ये स्टैगर्ड कॉन्फिगरेशन है, क्लियर है। अब यहां देखो, सपोज करो इसका मुझे एक्लिप्स बनाना है, तो क्या करोगे, बहुत सारे तरीके हैं, अगर हम सेकेंड कार्बन को सपोज करो मैं इस कार्बन को 120 डिग्री रोटेट कर रहा हूं, सेकेंड कार्बन को क्या कर रहा हूं, 120 डिग्री रोटेट कर रहा हूं, तो देखो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, कार्बोक्लिक एसिड यहां से यहां आ जाएगा, सीधा वाई रहेगा, यहाँ पे बी आर है, यहाँ पे एच है, यहाँ पे कार्बोक्लिक एसिड है, ओके। टू नंबर कार्बन को हम रोटेट कर रहे हैं कितना से, 120 डिग्री से, तो कार्बोक्लिक एसिड यहाँ आएगा, ओके, और आपको हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा और OH यहाँ आ जाएगा, ऐसे हम लिख सकते हैं, यदि स्टैगर्ड है तो यह भी क्या होगा, यह भी स्टैगर्ड होगा। सपोज करो मैं इस स्ट्रक्चर को, बैक कार्बन को, बैक कार्बन को मैं रोटेट कर रहा हूं 60 डिग्री से, रोटेशन कितना 60 डिग्री, ओके, तो 60 डिग्री रोटेट करोगे तो कहां आएगा, देखो तुम, आप जब भी बनाना हो ना तो ऐसे डॉट बना देना, आसान होगा, ओके, तो वही आपको यहां पे मिलेगा, तो ये जब इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करोगे तो बैक कार्बन पे उल्टा वाई बनेगा 60 डिग्री पर, भी मैंने देखा, अगर ये सीधा वाई है तो क्या बनेगा, उल्टा वाई बनेगा, ये फ्रंट कार्बन है, यहां पे बीआर होगा, फ्रंट कार्बन जैसा है वैसा ही रखेंगे, इसके हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, जैसे इसको रोटेट करोगे तो ये कार्बोक्लिक एसिड यहां से यहां पे आ जाएगा 60 डिग्री एंगल है, डॉट जहां बनाया हूं तो ये यहां पे आ जाएगा, OH आपको यहां पे मिलेगा और H आपको यहां पे मिलेगा, ये कौन सा फॉर्म है, तो दिस वन इज द एक्लिप्स फॉर्म, ओके। दूसरा देखो, अगर सपोज करो कि इसमें सेकेंड कार्बन को 180 डिग्री रोटेट करते हैं, 180 डिग्री
रोटेशन ऑफ बैक कार्बन, बैक कार्बन। सपोज करो इस स्ट्रक्चर को हमने सिर्फ बैक कार्बन को, बैक कार्बन को क्या किया, 180 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं। तो देखो क्या होगा, कार्बोक्लिक एसिड नीचे है तो कहां जाएगा, ऊपर। 180 डिग्री करोगे तो OH यहां है तो OH आपको यहां पे आ जाएगा, और हाइड्रोजन ऊपर है तो हाइड्रोजन कहां आएगा, नीचे आ जाएगा। इसमें स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये स्ट्रक्चर आपको ऐसे बनेगा, ये उल्टा वाई है। जब 120 डिग्री रोटेट करोगे तो कैसा बन जाएगा, सिग्मा वाई। फ्रंट कार्बन है तो यहाँ पे Br, यहाँ पे H, यहाँ पे कार्बोक्लिक एसिड। जब बैक कार्बन को 180 डिग्री रोटेट करेंगे, कार्बोक्लिक एसिड नीचे है तो कहां जाएगा, जस्ट इसके अपोजिट। जब भी 180 डिग्री रोटेट करना हो किसी कार्बन को तो जस्ट इसका अपोजिट कर देते हैं। कार्बोक्लिक एसिड नीचे है तो कहां चला जाएगा, ऊपर। देखो यहाँ ध्यान से देखना, ठीक है। OH यहाँ पे है तो कहां आएगा, OH नीचे आ जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ है तो कहां जाएगा, हाइड्रोजन नीचे आ जाएगा। देखो तो ये कौन सा कन्फर्मेशन है, दोनों उल्टा वाई है, मतलब क्या बन रहा है, ये आपको हो गया आपको समझ में आ रहा है। तो ऐसे आपको रोटेशन आना चाहिए, है ना। इसमें थोड़ा आपको प्रॉब्लम होगा, बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होता है, लेकिन आप इसको ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान से देखना। और रोटेशन बहुत ही आसान है, आप बहुत इजी वे में इसको रोटेट करके डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। ओके, चलो मैं इसे मिटाता हूँ, फिर इस पर आपको दूसरे तरह के क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। एग्जाम्पल रहने देता हूं, ठीक है। अब यहां सोचो आप कि इसको मैं 180 डिग्री रोटेट कर रहा हूं। 180 डिग्री कैसे रोटेट कर रहा हूं, तो पूरे मॉलिक्यूल को 180 डिग्री रोटेट कर रहा हूं, नॉट फ्रंट कार्बन नॉट बैक कार्बन, किसी को नहीं, पूरे सिस्टम को 180 डिग्री रोटेट कर रहा हूं। तब क्या होगा, देखो जैसे आप इसको 180 डिग्री रोटेट करोगे, पूरे मॉलिक्यूल को 180 डिग्री रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल, नॉट फ्रंट नॉट बैक, है ना। तो जब भी आप 180 डिग्री रोटेट करोगे तो इसमें क्या होता है, फ्रंट कार्बन बैक कार्बन बन जाएगा और बैक कार्बन फ्रंट कार्बन बन जाता है। ध्यान से सुनना कि जब भी किसी मॉलिक्यूल को 180 डिग्री से अगर आप रोटेट करोगे तो फ्रंट कार्बन बैक हो जाएगा और बैक कार्बन क्या बन जाएगा, फ्रंट बन जाएगा, ठीक है। जो ग्रुप लेफ्ट साइड में है वो राइट में आ जाएगा और जो राइट साइड है वो लेफ्ट में आ जाएगा, बाकी उसके कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंजिंग नहीं होता है। अब यहां देखो ये कार्बन नंबर वन क्या है, तो ये कार्बन नंबर आपका वन फ्रंट है, दिस वन इज द फ्रंट कार्बन, और ये कार्बन नंबर टू क्या है, तो दिस कार्बन नंबर टू इज द बैक कार्बन, ठीक है। जब 180 डिग्री रोटेट करोगे मॉलिक्यूल को तो क्या होगा, फ्रंट कार्बन बैक बन जाएगा और बैक कार्बन क्या बन जाएगा, फ्रंट बन जाएगा, ठीक है। जो ग्रुप लेफ्ट में है वो राइट में आ जाएगा और जो राइट में है वो लेफ्ट में आ जाएगा। अब यहां देखो जैसे हम इसको 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये आपका फ्रंट है, ये बैक है, तो बैक कार्बन कहां जाएगा, फ्रंट में। चलो ये फ्रंट कार्बन आ गया, ओके, फ्रंट कार्बन, फ्रंट कार्बन क्या है, ये वाई शेप है तो वाई शेप बनेगा, ये क्या है, कार्बन नंबर टू है, यहां आ गया, ओके। बैक कार्बन पे क्या जाएगा, तो बैक कार्बन पे फ्रंट कार्बन आ जाएगा, दैट इज द कार्बन नंबर वन। कार्बन नंबर वन का देखो शेप कैसा है, उल्टा वाई, हम क्या करेंगे, उल्टा वाई ड्रॉ कर देंगे। तो फ्रंट, फ्रंट कार्बन बैक बन गया और बैक कार्बन फ्रंट बन गया, इसलिए मैंने नंबरिंग किया हूं कि नंबर वन कार्बन यहां आ गया और टू जो बैक में था वो कहां गया, अब ये फ्रंट में आ गया, क्लियर है। और दूसरा क्या होता है चेंज, लेफ्ट ग्रुप, लेफ्ट साइड का जो ग्रुप है वो राइट में आ जाएगा और राइट साइड का जो ग्रुप है कहां आएगा, लेफ्ट में। अब यहां देखो ये आपका बैक कार्बन है, यहां पे कार्बोक्लिक एसिड कहां है, राइट साइड है, तो यहां पे कहां आ जाएगा, ये लेफ्ट साइड में आ जाएगा। OH आपका लेफ्ट साइड है तो इसमें क्या आएगा, आपको राइट साइड में आ जाएगा। फ्रंट कार्बन को देखो, फ्रंट कार्बन पे Br ऊपर है तो Br को ऊपर लिख देंगे, ओके। कार्बोक्लिक एसिड कहाँ है, तो कार्बोक्लिक एसिड आपको फ्रंट कार्बन पे वन स्ट्रक्चर में राइट साइड है, तो जब 180 रोटेट करोगे तो कहाँ आएगा, लेफ्ट साइड।
हाइड्रोजन देखो यहाँ लेफ्ट साइड है तो यहाँ कहाँ आ जाएगा राइट साइड, और यहाँ पे क्या था हाइड्रोजन, डन। तो अगर किसी भी मॉलिक्यूल को डायरेक्टली 180 डिग्री रोटेट करेंगे, आप इसको नोट कर लो कि जब किसी मॉलिक्यूल को 180 डिग्री रोटेट करते हैं तो क्या होता है बताओ, 180 डिग्री रोटेट करोगे तो क्या होगा, फ्रंट कार्बन एक्सचेंज कर जाएगा, फ्रंट क्या बन जाएगा बैक, और बैक क्या बन जाएगा डबल एरो है ना, फ्रंट बैक और बैक कार्बन फ्रंट। दूसरा क्या होगा, लेफ्ट साइड का जो ग्रुप है लेफ्ट ग्रुप राइट में आ जाएगा, और राइट ग्रुप कहां जाएगा, राइट ग्रुप आपका लेफ्ट में आ जाएगा। इसका की पॉइंट है, इस चीज को आप माइंड में रखोगे कि जब भी ऐसे सिचुएशन आए तो अगर ऐसे रोटेशन की जरूरत पड़े तो हम ऐसे रोटेशन करके मॉलिक्यूल को चेंज कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा। थोड़ा डिफिकल्ट है रोटेशन, लेकिन आप इसको ध्यान से देखना, नोट करना, तो आपको ये जरूर समझ में आएगा। ओके, अब इस पे मैं दूसरा क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। ओके, अब यहां देखो, अभी जो ये स्ट्रक्चर लिखा ये न्यूमैन है, ये सोर्स है, दिस वन इज न्यूमैन, न्यूमैन में कौन सा फॉर्मेट है, दिस वन इज द स्टैगर, आपका स्टैगर फॉर्मेशन है, ठीक है। अब इसको भी क्या कर रहा हूं मैं, 180 डिग्री से रोटेट कर रहा हूं, 180 डिग्री से मॉलिक्यूल को मैं क्या कर रहा हूं, रोटेट कर रहा हूं। तो यहां भी वही कॉन्सेप्ट होगा जो अभी मैंने सोर्स में बताया। देखो अभी मैंने बताया कि जब 180 डिग्री से पूरे मॉलिक्यूल को रोटेट करोगे तो फ्रंट कार्बन बैक बन जाएगा, और बैक कार्बन क्या बन जाएगा, फ्रंट हो जाता है। जो लेफ्ट साइड में ग्रुप है वो राइट में आ जाएगा, जो राइट साइड के ग्रुप है वो कहां जाएंगे, लेफ्ट में आ जाएंगे। अब देखो ये तो दिस इज ह्यूमन प्रोजेक्शन, ये आपका कार्बन फ्रंट कार्बन है, तो 180 डिग्री रोटेट करोगे तो फ्रंट कार्बन क्या बन जाएगा, बैक, और बैक फ्रंट बन जाएगा। तो ध्यान देखो, बैक कार्बन का देखो शेप कैसा है मॉलिक्यूल का, उल्टा वाई है, तो हम क्या करेंगे बैक कार्बन पे उल्टा वाई लिख देंगे। उल्टा वाई में क्या है, नीचे कार्बोक्लिक एसिड है, कार्बोक्लिक एसिड लिख दिया, ओएच राइट साइड है तो कहां जाएगा, ओएच लेफ्ट साइड में आ जाएगा, और हाइड्रोजन कहां है, लेफ्ट साइड है तो कहां जाएगा, राइट साइड। फ्रंट कार्बन क्या बन गया, बैक बन गया, मान लो ये कार्बन नंबर 1 है और सर्कल वाला कार्बन नंबर क्या है 2 है, तो ये आपका 2 हो गया। वन कार्बन क्या बन जाएगा, सर्कल, क्योंकि वन कार्बन फ्रंट में है तो 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो क्या बन जाएगा, बैक बन जाएगा। अब यहां देखो कार्बोक्लिक एसिड ऊपर है, ठीक है, बी आर, ओके। अब देखो बी आर कहां है, तो ब्रोमीन आपका राइट साइड है तो कहां जाएगा, लेफ्ट साइड, हाइड्रोजन आपका लेफ्ट है तो कहां जाएगा, राइट में आ जाएगा। तो जैसे अभी आपने न्यूमैन प्रोजेक्शन को रोटेशन किया वैसे ही हम क्या करते हैं, सोहर्स को करते हैं, या जैसे सोहर्स को रोटेशन करते हो वैसे ही हम लोग न्यूमैन को भी रोटेशन करते हैं। ओके, अब इसका देखो, इसका मैं सोहर्स बना रहा हूं, बताइए फ्रंट कार्बन है तो फ्रंट कार्बन पे सी उल्टा वाई है, उल्टा वाई क्या बन गया, बी आर, इधर हो गया एच, बैक कार्बन जाओ, बैक कार्बन पे क्या है, उल्टा वाई, उल्टा वाई बनाया, इधर एच है, इधर ओ एच है, इधर क्या बन गया, इधर हो गया कार्बोक्लिक एसिड, इसका ये बन गया सोर्स। ओके, ये 1 है, ये 2 है, इसका बनाओ, इसका सोर्स बनाओगे तो क्या होगा, देखो तो फ्रंट कार्बन 2 नंबर कार्बन है, यहां पे क्या है सीधा वाई, तो अब यहां देखो फ्रंट कार्बन सीधा उल्टा वाई, उल्टा वाई लिखा, इसमें कार्बन नंबर 2, ओके, ये हो गया आपका कार्बन नंबर 1। बैक कार्बन पे देखो, बैक कार्बन पे क्या है, सॉरी फ्रंट कार्बन पे सीधा वाई, बैक कार्बन पे उल्टा वाई, तो उल्टा वाई बनाओ, ऊपर क्या है कार्बोक्लिक एसिड है, ओके, और कार्बोक्लिक एसिड हुआ, नीचे क्या है यहाँ हाइड्रोजन है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका ब्रोमीन है।
ओके ओवरऑल ये कैसे बना, तो 180 डिग्री तो श्योर है ये मॉलिक्यूल कैसे बना होगा, ये भी आपको 180 रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल, पूरे मॉलिक्यूल को हम रोटेट कर दिया। तो देखो वन चेक कर लो, दोनों सिमिलर होंगे, वन कार्बन फ्रंट है तो यहाँ कहाँ आ गया, बैक में, ओके ब्रोमीन राइट साइड है तो ब्रोमीन लेफ्ट साइड आ गया, हाइड्रोजन लेफ्ट में है तो हाइड्रोजन राइट में आ गया, ये बैक कार्बन है टू नंबर कार्बन, 180 रोटेट किया तो फ्रंट में आ गया, OH राइट में है तो OH लेफ्ट में आया, हाइड्रोजन लेफ्ट में है तो हाइड्रोजन राइट में आ गया। ओके तो ओवरऑल मैंने दोनों को सिमिलर कर दिया कि अगर 180 डिग्री से चाहे न्यूमेन को रोटेट करो चाहे आप 100 हॉर्स के करो, जो फ्रंट है वो बैक बन जाएगा और बैक फ्रंट बन जाएगा। ओके आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, आप इसको पूरा वॉच करना, नोट करना, ओके और मैक्सिमम आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच में शेयर करें। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, ओके ऑल द बेस्ट।